हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर गेज। ठीक है, अगर आपको किसी भी बॉयलर का या किसी भी सिलेंडर का अगर आपको प्रेशर मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर करोगे? वैसे तो बहुत सारे डिवाइस है प्रेशर मेजर करने के लिए। तो आज का जो हमारा डिवाइस है वो है बर्डन गेज। इस तरीके का ये क्या होता है, प्रेशर गेज, प्रेशर डिवाइस है, प्रेशर को मेजर करता है। जो डिवाइस है उसका नाम है बर्डन गेज। विद द हेल्प ऑफ बर्डन गेज हम किसी भी चीज का प्रेशर, किसी भी गैस का, सिलेंडर में हो, बॉयलर में हो, उसका प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो टॉपिक मेन स्टार्ट करने से पहले एक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, जस्ट बूस्ट करने के लिए, पुराने चीज को बूस्ट करने के लिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फंस जाए या कहीं भी कुछ ऐसा आए तो आप बता सको। तो हर एक लेक्चर से पहले एक मिनट को मैं ये क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करूंगा ताकि आपका जो पुराना जो बैकअप है वो बूस्ट हो जाए। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, बॉल ऑफ इक्वल मासेस। एक बॉल है उसका मास इक्वल है, ठीक है, मीन्स दो बॉल, एक बॉल ये हो गया हमारा बॉल नंबर वन और ये हो गया बॉल नंबर टू, दोनों का मास सेम, ठीक है, और ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल जो बना है, ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। अब ये बॉल आपका फ्लोर पे, नंबर टू जो बॉल है वो फ्लोर पे रखा हुआ है और नंबर वन भी फ्लोर पे रखा हुआ है। अब हमने नंबर वन को हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो किस वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से मूव हो रहा है और जाकर नंबर टू से टकरा रहा है। आफ्टर दैट क्या होगा, नंबर टू भी मूव करेगा। तो जब नंबर टू मूव करेगा तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी नंबर ए वी होगा, वी बाई टू होगा, जो नॉर्मल स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो होगा, या उसका हाफ होगा, या उसका वन फोर्थ होगा, या उसका वन एट होगा, ठीक है। तो ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है, जो पावर को एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज ये आपको याद दिलाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो भी पावर टकराने से पहले, बिफोर और आफ्टर, दोनों को पावर जो होता है वो सेम होता है। मीन्स अगर हम ऐसे लें M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3 plus M4V4, ये M1 M2 है, ये टकराने से पहले का है बिफोर, और ये M3V4 है जो है ये है टकराने के बाद आफ्टर। ओके, तो टकराने से पहले हमारी वेलोसिटी क्या थी, मास तो सबका सेम है, तो अपन मास वाला टर्म ही निकलेक्ट कर देते हैं क्योंकि मास क्या बोला है, सबका सेम है, मास वाले जितने टर्म है सबको हम हटा देते हैं। अब बचा वेलोसिटी, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा बॉडी की, v, विच इज इक्वल टू, अब इसकी वेलोसिटी, यहां पे ध्यान दो, जब ये आकर टकराएगा तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगा, v' plus v' के टर्म, क्लियर, विच इज इक्वल टू 2v'। ओके, देयरफॉर v' हम बोले तो वेलोसिटी 2, जो बॉल 2 की वेलोसिटी से हम v' से बता रहे हैं, देयरफॉर v' इज इक्वल टू v/2। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, v/2, क्लियर। तो ऐसे या तो ऐसे कह सकते हो, या तो एक और बहुत सारे इसका कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है ऐसे कि जब बॉल एक वेलोसिटी v से आ रही है, जब दूसरे से टकराएगी तो नॉर्मली उसका हाफ हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बट ये हर जगह काम नहीं होता, कॉन्सेप्ट में हम ऐसे लगाएंगे बिफोर कितना था आफ्टर, तो बिफोर वेलोसिटी v, बाकी m तो मास से में तो हटा दीजिए v, इन दैट केस, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं बर्डन गेज। ओके गाइस, तो ये है हमारा बर्डन गेज। बर्डन गेज को हम प्रेशर गेज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेशर मेजरमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, ये कैसे मेजर करता है प्रेशर, किस किस चीज का प्रेशर, फॉर एग्जांपल ये बॉयलर, जो हमारा बॉयलर होता है इसके ऊपर आप लगा हुआ इसको देखे होंगे, या फिर आप जब भी अपने गाड़ी में हवा डलवाने जा रहे होंगे वहां पे भी एक छोटा सा आपको बॉयलर टाइप का एक सेल दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, उसके ऊपर भी प्रेशर गेज लगा रहता है, ठीक है। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए होंगे तो उसपे भी आपको प्रेशर के लिए ऐसा लगा होगा, ठीक है। तो ये सब जो डिवाइस है ये हमारा बर्डन गेज, एक तरीके का प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है।
तो यहाँ पे बर्नल गेज भी यूज करते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। तो जो पुराने में पहले ऐसे ही हम किसी के हेल्प से मेजर करते थे, तो ये बर्नल गेज काम कैसे करता है इसे देखते हैं। तो इसका जो ये वाला थ्रेड वाला पार्ट है ना, ये एक तरीके का पाइप होता है, स्ट्रेट पाइप होता है, उसको जिस शेप में आपको टर्न करना है उस शेप में टर्न कर लो। तो जनरली हमने क्या किया, एक स्ट्रेट पाइप को इस तरीके के शेप में टर्न कर दिया। ठीक है, कैसे क्या किया, इस स्ट्रेट पाइप को इस तरीके के शेप में हमने टर्न कर दिया, ज्यादा मोटी पाइप नहीं, पतली पाइप ही। ठीक है, और जो ये वाला एंड है इसको हम बॉयलर के ऊपर लगा दिए या फिर ये कंप्रेसर के ऊपर लगा दिए, फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लगा दिए। क्लियर, अब जैसे प्रेशर आपका इसमें बना, ये क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इस पाइप के थ्रू मूव होना चालू हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा मूव होना, ठीक है, और यहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद होगा एक आप बचपन में एक यूज करते होंगे, कुछ ऐसा रहता हो, ऐसा रहता था। ठीक है, यहाँ पे सीटी लगी होती थी, जब आप उसको फूकते थे तो वो हो जाता था स्ट्रेट, वो स्ट्रेट हो जाता था और आवाज करता था। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस, जब इस पे प्रेशर लगेगा तो ये जो टर्न हुआ पाइप है ये स्ट्रेट होना चाहेगा, ये टर्न वाला जो पाइप है ये ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रेट होना चाहेगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से ये स्ट्रेट होगा, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। क्लियर, अब इसी के एंड पे हमारा एक मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा समझ लो, ये हमारा हो गया, ये हो गया छोटा वाला, ये पिनियन। ठीक है, ये गियर है, छोटा गियर है पिनियन, उस गियर पे ये लगा हुआ सेक्टर, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, और ये सेक्टर किस लिंक में, ये है लिंक, इस लिंक मैकेनिज्म से कनेक्ट है। जैसे ये ऊपर होगा ये लिंक भी ऊपर मूव करेगा, तो ये सेक्टर क्या होगा, अप या डाउन, ये सेक्टर जो है अप या डाउन पिनियन के, इस पे सेक्टर पे भी टीथ कटा है, पिनियन पे भी टीथ कटा है, ये टीथ मूव कर, ये सेक्टर अपना अप या डाउन मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो गियर के टीथ के कारण क्या होगा, पिनियन भी हमारा घूमना चालू होगा अप एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ये पिनियन से हमारा कनेक्ट रखता है स्प्रिंग, जो कि बैक फोर्स वापस उसको ओरिजिनल पोजिशन में लाने में मदद करता है। क्लियर, और उस स्प्रिंग से हमारा कनेक्ट होता है नीडल, इसको बोलते हैं नीडल। ठीक है, इस स्प्रिंग से कनेक्ट होता है नीडल। तो जैसे इसमें प्रेशर आप लगाते हो, प्रेशर स्टार्ट होता है इसमें मूव होना, जो भी गैस हो चाहे फ्लूइड जो भी मूव होना, ये मूव होता है, ये ऊपर जाने से ये सेक्टर अप या डाउन होगा, पिनियन रोटेट होगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस नीडल को मूव कराएगा, तो ये नीडल क्या स्टार्ट हो जाएगा मूव करना। तो ये नीडल आपको ये स्केल, ये कैलिब्रेट करके हमने रखा है यहाँ पे है, तो ये 2 बार है, 5 बार है, 6 बार प्रेशर, 7 बार प्रेशर, 8 बार प्रेशर, तो ये नीडल जहां जहां जाएगी उतना बार प्रेशर हमारे इस सिलेंडर या इस बॉयलर में है, ये बताएगा। क्लियर, तो ऐसे हमारा बर्डन गेज काम करता है। ठीक है, फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रहा हो, कैसे ये वर्क करता है, इसकी मटेरियल कौन सा है, नॉर्मल मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ब्रास करो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पतली सीट। ठीक है, तो ये सब आपको प्रेशर गेज डिवाइस में नॉर्मली बर्डन गेज ऐसे काम करता है। क्लियर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि जो भी मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, तो थैंक यू।